जौनपुर जिले के महाराजगंज क्षेत्र के जगन्नाथ ज्ञान शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज साहू नगर में 71वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा झंडा फहराया गया। वहीं विद्यालय के बच्चों द्वारा गीत नृत्य कांकी नाटक व प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती अंकल गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर ग्राम प्रधान राकेश मिश्रा, हेमंत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष अतुल तिवारी, प्रदेश महासचिव शार्दुला सिंह सम्राट सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के महाराजगंज क्षेत्र के धर्मदेवी सोरी इंटर कॉलेज के प्रबंधक शिव पूजन सेठ और अध्यक्ष भोला प्रसाद सेठ के नेतृत्व में झंडा फहराया गया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। शिव पूजन सेठ प्रबंधक धर्मदेवी सोरी इंटर कॉलेज महाराजगंज। आज आपके विद्यालय में 26 जनवरी मनाए गए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यह देना चाहते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में जो हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सभी लोग जितने भी यहाँ के देशवासी हैं वह देश के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत करें और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभावें। कार्यक्रम आज जो कैसे ढंग से हुआ? कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और आप सभी लोग पत्रकार बंधु आए, इसलिए आप लोगों का भी अभिनंदन करने का स्वागत है हमारे प्रांगण हमारे विद्यालय में। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ। जौनपुर के ईशापुर मोहल्ले में बीएसएनएल मॉल गोदाम में भीषण आग लग गई है, जहां करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू करने में जुटी है। मौके पर मौजूद चौकीदार का कहना है कि रात लगभग 3 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगने से ये भीषण हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने घटना का जायजा लिया और सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र नाथ मिश्रा, शकरमंडी चौकी प्रभारी मोहम्मद सैफ और उनके हमराही भी मौजूद रहे। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के जितने भी मकान हैं लगभग सभी मकानों की दीवारें छिटक गई। स्टोर है, इसमें सारे तार वगैरह सब चीजें रखी हुई हैं, इसी में आग लगी है और करीब फायर ब्रिगेड की 6-7 गाड़ियां लगातार काम कर रही हैं। तो बनारस से और सुबह से ही अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कंट्रोल में। सर कुछ नुकसान का आंकड़ा है ऐसा कुछ? नुकसान तो बीएसएनएल ही बता पाएगा कि इनका क्या नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी टीम लगी है कि इसको आगे बढ़ने ना दें। और अगल बगल चूँकि आप देख रहे हैं घर है, उनको किसी दूसरे घर को नुकसान ना होने पाए, इसको कंटेन करना पहला उद्देश्य है कि आगे ना बढ़े। आग पर सब पूरा काबू पा लिया गया? आग पे काबू क्या है लेकिन नियंत्रण में तो है। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता निसार अहमद की रिपोर्ट।